देखिए फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमने 10 के मल्टीपल फंदे लेने प्लस 2 कर लेना है। यहाँ पे हमने टोटल 32 फंदे लिए हैं, यानी 32 फंदे। इस डिज़ाइन को अब हम चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए देखिए, मैंने ग्रीन कलर का ऊल लिया हुआ है, 10 नंबर की नीडल ली हुई है। अब चलिए इसको हम बनाना शुरू करते हैं। बनाने के लिए सबसे पहले हमने बेसिक रो कम्प्लीट करनी है। तो देखिए, आगे की साइड से हम उल्टा उल्टा बना के कम्प्लीट करते हैं। सारे फंदे को हम उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम बैक साइड आ गए हैं बुनकर। तो बैक साइड से हमने डिज़ाइन बनानी है। आप चाहें तो 2-3 सिलाई सिंपल नीटिंग करके फिर डिज़ाइन बनाइए, लेकिन मैं एक सिलाई बुनने के बाद पीछे की साइड से हमारी डिज़ाइन स्टार्ट होगी। तो यहाँ पर देखिए, हमने सेकेंड कलर जोड़ना है। सेकेंड कलर हमने यहाँ पर जोड़ दिया। सेकेंड कलर देखिए, पिंक कलर मैंने लिया हुआ है। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, देखिए हमने दो फंदे उतार लेने एज स्टिच। देखिए, हमने ये दो फंदे पीछे की साइड से उतार लिया। ये देखिए, दो फंदे हमने उतार लिया। उसके बाद देखिए, एक फंदे पे हमने 5 बार फंदों को रैप करना है। देखिए, फिर देखिए, 1, 2, 3, 4, 5 पांच बार देखिए हमने ये रैप किया है। ये हमने टोटल 8 फंदों पे करना है। देखिए, 3 फंदों पे हो गया, 4, 5, 6, 7, 1, 8 देखिए 8 फंदे पे। पहले दो फंदे हमने उतार लिए हैं, उसके बाद 8 फंदे पे हमने 5 बार लपेटा है, यानी रैप किया है। उसके बाद दो फंदे हम यहाँ पे उतार लेंगे। फिर हमने ये 8 फंदों पे 5 टाइम, देखिए 1, 2, 3, 4, 5 5 बार हम लपेट रहे हैं। ऐसे ही हमने ये पूरी रो कंप्लीट करनी है। देखिए फ्रेंड्स, हम आगे की साइड आ गए हैं बना के। अब देखिए, आपने क्या करना है, आगे की साइड से इन दोनों फंदों को हमने ऐसे ही उतार लेना है। बाकी के 8 फंदों को हमने खोल लेना है। देखिए, ये देखिए, हम इन 8 फंदों को खोल लिए हैं। ये देखिए, यहाँ पे 8 फंदों को हमने खोल लिया। अब क्या करना है, इस फंदे को हम आगे लाएंगे। देखिए, ये देखिए, ऐसे हमने खोला। खोलने के बाद इसको क्या करना है, इस वाले चीज़ को यहाँ पे ले जाएंगे, आगे वाले पार्ट को हमने, और देखिए पीछे की साइड से अब इसको हम इस पे चढ़ा लेंगे, इस फंदे पे। इसको देखिए ऐसे ले गए हैं। ये देखिए, ये ऐसे गया। अब हमने क्या करना है, देखिए देखिए फ्रेंड्स, ये ऐसी डिज़ाइन बनेगी। तो एक मैंने यहाँ पे बनाया है। अब आप लोग केयरफुली देखिएगा कि आपने क्या करना है। पहले तो इन 8 फंदों को आपने ईजिली खोल देना है। देखिए, 8 फंदों पे जो हमने 5 बार लपेटा था, उनको खोल देना। बहुत यूनिक सी डिज़ाइन है, बहुत ही प्यारी लग रही है। देखिए फ्रेंड्स, इन 8 फंदों को खोलने के बाद हमने क्या करना है, 4 फंदे आपने लेना है पहले हाथ पे। देखिए, इसको 4 फंदे को लेके हम ऐसे ट्विस्ट करेंगे। देखिए, 3 से 4 बार देखिए, इसको अपनी साइड ऐसे हमने किया। अब इन 4 फंदे को हम देखिए, 1, 2, 3, 4 इन 4 फंदे को हमने इस पे ले लिया। फिर देखिए,
इनको भी हम चारों फंदों को लेंगे और इसको हम देखिए, इसको हमने इस साइड ऐसे किया था, इसको इस साइड हम ऐसे मोड़ेंगे। देखिए 3 से 4 बार, बहुत इजी डिज़ाइन है और बहुत ही प्यारी लगती है। इससे आप शॉल स्टॉल के बॉर्डर भी बना सकते हैं। अब देखिए इसको ऐसे मोड़ने के बाद फिर हम ये चार फंदे जो हमारे हैं उसको हम ऐसे उठा लेंगे। देखिए यहाँ पे हमारे चार फंदे हैं, फिर इन चार फंदे को हम इस पे ले जाएंगे। देखिए ये देखिए इस फंदे को हमने बुनना है, 1 2 3, एक फंदे देखिए यहाँ पे हमारा 4, ये देखिए 4 फंदे बुनने के बाद ये हमारा कुछ ऐसे आया। फिर हम यहाँ पे देखिए इसको भी बना लेंगे, 1 2 3 4, ये देखिए 4 फंदे ऐसे हमने बना लिए। अब क्या करना है, एक फंदे यहाँ से हम गिराएंगे। देखिए इसको हम गिरा देंगे और ये 4 फंदे को हम इस सिलाई पे लेंगे, 1 2 3 4। 4 फंदे को इस सिलाई पे लेने के बाद जो फंदा हमने ड्रॉप किया हुआ है, देखिए जो फंदे हमने गिराए हैं उसको हम बैक साइड से, देखिए जो फंदे हमने यहाँ पे गिराया हुआ है इसको हम बैक साइड से यहाँ पे देखिए इसको हम बैक साइड से सेंटर में लाएंगे। ये देखिए इसको हम इसके ऊपर ले लेंगे सारे फंदे को, और इसको हम ऐसे, तो ऐसे ही हमने तीनों डिज़ाइन को बनाया है। तो देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है, देखिए कितनी प्यारी लग रही है। आप लोग भी बनाइए, एकदम नई सी डिज़ाइन है। बैक साइड ऐसे आएगा, फ्रंट साइड कुछ ऐसे बनकर आएगा। ये देखिए बस आपने जो हमने मोड़ा है, एक बार आपने इस साइड ऐसे से करना, फिर एक बार इस साइड एंटी क्लॉक वाइज क्लॉक वाइज करना है दोनों। देखिए कितनी प्यारी लग रही है। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।